आज का कार्यक्रम हम एक पत्र से शुरू कर रहे हैं जो हमें मास्टर शादाब ने विज्ञानपुरी महानगर लखनऊ से भेजा है। शादाब ने हमें एक चुटकुला भेजा है। चुटकुला ये है, एक दिन अध्यापक अपनी कक्षा में आते हैं और बच्चों से एक प्रश्न पूछते हैं, बच्चों बताओ चांद दूर है कि पंजाब दूर है। तभी एक बच्चा खड़े होकर बताता है, गुरुजी पंजाब। गुरुजी पूछते हैं, अरे बताओ तो कि पंजाब कैसे दूर है। तभी बच्चा बताता है, गुरुजी पंजाब तो यहाँ से दिखाई नहीं देता मगर चांद यहाँ से दिखाई देता है। हमें शादाब का धन्यवाद है कि उन्होंने हमें कितना अच्छा सा चुटकुला भेजा है। और भी हमारे नन्हे मुन्ने दोस्त अगर हमें कुछ भी चुटकुला, कहानी या कविता भेजना चाहे तो हम उन्हें अपने कार्यक्रम में अवश्य प्रस्तुत करेंगे। अब प्रस्तुत है आज की दीक्षा। देखो 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 देखो, पंडित जी बकरी लादे लिए जा रहे हैं। हाँ, अब बनी बात। बड़ी जोर की भूख लगी है। इस बकरी को पंडित जी से ले लिया जाए तो अच्छी खासी बकरी है, दावत मजे की हो सकती है, लेकिन हमें मिलेगी कैसे? अरे काका को मूर्ख बनाकर। अरे काका को मूर्ख बनाया कैसे जाएगा? चलो काका को मूर्ख बनाने की कोई तरकीब सोचते हैं। हाँ चलो सब लोग मिल के सोचते हैं। आओ चलो 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 आओ चलो 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 सब लोग चलते हैं। पाय लगन काका। खुश रहो भैया। अरे आज आपको क्या हो गया? ये कुत्ता अपने कंधे पर लादे हो? अरे? आप तो पूजनी है और आप ही ये कुत्ता। कुत्ता? अरे तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हुआ? क्या बकते हो? मुझे तो अभी ये बकरी दान में मिली है और बकरी तुम्हें कुत्ता कब से दिखने लगी? काका हमें तो कुत्ता ही दिख रहा है। क्षमा करना काका, मैंने तो आपके भले की बात कही जो आपको बुरी लग गई। बुरे दिन आते हैं तो कुत्ता भी बकरी दिखने लगता है। मुझे अब कुछ नहीं कहना, मैं तो चला। दोस्त कहीं का बड़ा आया मेरे भले की सोचने वाला, अच्छी खासी बकरी और कहता है कुत्ता है। कुत्ता बकरी कुत्ता हो गई है बकरी? क्या मतलब क्या है? कभी कुत्ता कभी बकरी है? क्या क्या घोर कलयुग आ गया। अरे पाए लागो काका, क्या घोर कलयुग आ गया है? आज आपके कंधे पर मरा हुआ बछड़ा देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। आपको ये काम शोभा नहीं देता। मरा हुआ जानवर है? मरा हुआ बछड़ा? ये बकरी मुझे
मरा हुआ बछड़ा दिख रही है। अरे निश्चय ही तेरी आंखें खराब हो गई हैं। मुझ पर गुस्सा ना करो, ये तो आपकी इच्छा है। चाहे आप जीवित पशु ढोएं या मरा हुआ पशु ढोएं, और मुझसे क्या मतलब। बछड़ा? अरे तो कभी बछड़ा लगने लगती है, कभी बकरी। क्या मतलब क्या है, है? बछड़ा है कि बकरी है? ठीक से देखो तो कभी बछड़ा लग रही है, है? बछड़ा ही है क्या? तो समझ में नहीं आता। पाए लागे, पाए लागे। कहो कहो कहो, क्या बात है? कहो कहो। काका मुझे कुछ कहना तो नहीं चाहिए, पर मुझे कहे बिना रहा भी नहीं जा रहा है। कहो कहो, क्या कहना चाहते हो? तुम भी कहो। काका, इस बंदर को कंधे पर रखकर घूमना आपको शोभा नहीं देता है। अरे ये बकरी है? जरा देर में रूप बदलती है। क्या है क्या है? कभी कुत्ता, कभी मरा हुआ बछड़ा है? ये क्या दिखती है, कभी बंदर दिखती है? मैं तो परेशान हो गया हूँ सबकी बातें सुनते सुनते। शायद ये सच में कोई पिशाचनी है। भाड़ में जाए बकरी। अब बनी ना बात, कैसा काका को मूर्ख बनाया। इस तरह बार बार एक ही बात कहने से आखिर काका कब तक अपने धैर्य और विवेक को संभाल कर रखते। अब होगी अपनी शानदार दावत। देखा बच्चों, काका कैसे मूर्ख बने, अपनी बकरी दूसरों के बहकावे में आकर खो दी। देखो बच्चों, इस तरह किसी के बहकावे में कभी नहीं आना चाहिए। हाँ, हमेशा अपनी बुद्धि और विवेक से काम लेना चाहिए, नहीं तो काका की तरह मूर्ख बन जाओगे। जैसे दूसरों के बहकावे में आकर काका ने अपनी बकरी खो दी, ऐसे आप कभी मूर्ख नहीं बनना और ना ही किसी को मूर्ख बनाना।